वेलकम टू कुकिंग विद गुरु किरत। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए हमारी मैंगो आइसक्रीम बनाना हम शुरू करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले ली है हमने चीनी, ये लिया हमने मिल्क पाउडर, ये लिया हमने एक बड़ा ग्लास मिल्क, ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये लिया हमने पिस्ता और बादाम, ये हमने मैंगोस लिए हैं, मैंगो को हमने कटिंग करके लिया है। अभी चलते हैं पैन की तरफ, इसमें डालेंगे हम मिल्क, अभी इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, अभी इसके हम 3 बड़े चम्मच डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम बाकी का बचा हुआ मिल्क पाउडर भी डाल देंगे इसमें। अभी इसमें हम डाल देंगे चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। अभी 5 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए, ये देखिए कितने अच्छे से लम्स निकल चुकी हैं, एकदम स्मूथ बैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसे हम ठंडा करके बाउल में निकाल लेंगे। अभी चलते हैं मैंगो प्यूरी बनाने के लिए, ये हमने लिया है 1 जार, इसमें डाल देंगे मैंगो, ऊपर से ढक्कन लगाकर इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए मैंगो प्यूरी बनके हमारी रेडी है, इसे भी हमने बाउल में निकाल लिया था, इसमें अभी मैंगो प्यूरी मिक्स कर देंगे हम। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा येलो कलर, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बेस बन के रेडी हुआ है। अभी इसे हम एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे, ये देखिए अभी इसे हम हाफ हाफ फिल कर लेंगे। अभी इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ऊपर से और डाल देंगे बेस को। ऊपर से और ड्राई फ्रूट को डालेंगे हम। जो बचा हुआ बेस था उसको भी डाल देंगे इसके ऊपर हम। एक बार अच्छे से इसे हम हिला लेंगे चम्मच की सहायता से। ऊपर से इसे हम कवर कर देंगे ढक्कन की सहायता से। अभी आइसक्रीम को हम फ्रिज में रखेंगे 12 से 15 घंटे के लिए। अभी 15 घंटे हो गए हैं, इसे हमने फ्रिज में से निकाल लिया है, ये देखिए कितनी अच्छे से जम चुकी है हमारी आइसक्रीम। अभी इसे हम चेक करेंगे नाइफ की सहायता से,
ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट आइसक्रीम जमी है हमारी। ये देखिए हमारी आइसक्रीम बनके रेडी है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।